अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल पालक गोश्त की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 300 ग्राम बीफ, 150 ग्राम पालक जिसे मैंने फ्रेश वाटर से धो ली है और इसे इस तरह से कट कर लिया, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, ये कुछ मसाले हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ते, नमक हसबे ज़रूरत लेकिन यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी 1/2 कप। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त को हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में मैंने 4 टेबलस्पून सरसों ऑयल लिया है, इसे हम अच्छे से हीट कर लेते हैं। हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें तेज़पत्ते डाल देते हैं। अब इसे हम कुछ सेकंड सॉटे कर लेते हैं। तो हमारी कुछ सेकंड सॉटे हो चुकी है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे हम लाइट फ्राई कर लेंगे गोल्डन। तो ये देखिए हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें अपने बीफ डालेंगे। अब हम सारे बीफ डाल देंगे और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम बीफ और अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे इसमें 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से बीफ को भून लिए। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। अब हम सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़े से वाटर भी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और मिक्स भी अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। अब इसे हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिए। अब इसमें हम वाटर डाल देंगे, हमें इसमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम डालेंगे। मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसकी हम लिड ढक देते हैं, इसे कवर कर देते हैं और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पका लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए हमारी 3 सीटी लग चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसकी लिड खोल कर देखते हैं। हमारी बीफ अच्छे से टेंडर हो चुकी है तो अब हम इसे थोड़ा भून लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे भून लिए। अब इसमें हम पालक डालेंगे। सबसे पहले हम हरी मिर्च डाल देते हैं, अब हम पालक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पालक के साथ भी इसे हम 2 मिनट भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पर 2 मिनट इसे भून लिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम इसे 1/2 कप पानी डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 1/2 कप पानी डाली है, 1/2 कप से भी कम ही डाली है क्योंकि हमारे पालक में भी पानी होती है तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। अब हम इसकी फिर से लिड बंद कर देते हैं और इसे हम ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी लगाकर फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम 1 सीटी लगाएंगे। ये देखिए हमारी 1 सीटी लग चुकी है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो चलिए अब हम इसकी लिड खोल कर देखते हैं। तो हमारी पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च और हरी धनिया से। और ये रही हरी मिर्च। तो ये देखिए हमारी लजीज सी शानदार पालक गोश्त रेडी है। आप इसे मक्के की रोटी के साथ या सादे रोटी के साथ खाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।